उधम सिंह नगर जनपद में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ आपदा की स्थिति पैदा हो गई है। भीषण बेमौसमी बरसात से तीन नहर का पानी रुद्रपुर की श्री महावीर पेड़ी प्रोडक्ट्स राइस मिल में 5 फुट तक घुस गया है। इससे राइस मिल में रखी धान, चावल, पॉलिश, वरदान व अन्य सामान बर्बाद हो गया है। मिल के अंदर पानी घुसने से मशीनें भी खराब हो रही हैं। अनुमान लगाया गया है कि मिल में करीब 2.5 से 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। आज छतरी संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूं के हरवीर सिंह ने मिल में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। मिल के स्वामी ओपी मित्तल का कहना है कि सरकार उनके नुकसान का उचित मुआवजा दे, जिससे कि मिल का काम पुनः संचालित किया जा सके। देखिए, जो इस बीच जो बारिश हुई है, जो बेमौसम जिसे बारिश कहते हैं, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऊपर से निर्देश थे माननीय हमारे मंत्री जी के कि जो राइस मिलर्स हैं उनके द्वारा कहा गया था कि उनके यहाँ पानी भरने से काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी का जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और तो मैंने देखा है कि राइस मिलर्स के यहाँ पानी भरा है, जो धान जो भीगा था वो अंकुरित हो गया है, और जिससे जो है उनके आगे के कार्य प्रभावित हुए, उससे हमारी परचेज पर भी असर पड़ने की संभावना है। आगे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए राइस मिलर्स और किसानों के बीच जो है आज बाजपुर में और रुद्रपुर में भी वार्ता की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक आपदा की घड़ी है, इससे हम आगे जो है निकल के अच्छा कार्य करेंगे और आने वाला जो है हमारा जो सीज़न है वो अच्छे से बीतेगा, यही प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा भी। ये 18 तारीख की रात को करीब 12-1 बजे पीछे नहर से बहुत ज़बरदस्त पानी आया, जिससे कि सारी दीवार वगैरह तोड़ टूट करके पानी अंदर घुस गया और काफ़ी मात्रा में चावल और धान जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। और करीब करीब माना जाए तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का की क्षति हुई है। और बस सरकार से हम इतना ही चाहते हैं कि जो हमारी क्षति हुई है उसमें हमारा सहयोग करें। और यहाँ वैसे तो रुद्रपुर में बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है और कई राइस मिलर्स और भी हैं ऐसे कि जिनको भी हानि हुई है।